हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्किल इम्प्रूवमेंट। हाँ तो दोस्तों, आज के वीडियो में बात करने वाले हैं एक स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की इंटरनेट ऑफ थिंग्स की सर्टिफिकेट आप लोग बिल्कुल फ्री में ले सकते हैं इस वीडियो को देखने के बाद। तो इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ किस स्टेप से आप लोग को अप्लाई करना है और साथ ही साथ सर्टिफिकेशन का प्रोसेस क्या है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आएँ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह के फ्री सर्टिफिकेशन के वीडियोज़ और इंटर्नशिप की वीडियो, वेबिनार और अदर फ्री सर्टिफिकेशंस की वीडियो आप लोगों को मिल जाती है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलते हैं वीडियो के, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप लोगों को सीधा इस पेज पर पहुंच जाना है। तो देख सकते हो ये स्टैनफोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट है जिसके थ्रू आप लोग को फ्री में कोर्सेज की सर्टिफिकेट और कोर्सेज प्रोवाइड की जाती है। तो जैसे कि मैंने आप लोग को बताया था कि ये जो कोर्सेज है वो इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट ऑफ थिंग्स, जो कि बहुत ही बड़ा टॉपिक है आज के टाइम पर, और साथ ही साथ आप लोग को सर्टिफिकेट भी बिल्कुल फ्री मिलेगा। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर भी दिया गया है, तो इसके इंट्रोडक्शन और ओवरव्यू भी आप लोग यहाँ पर पढ़ सकते हैं जो कि आप लोग के लिए दी गई है। इंस्ट्रक्चर के बारे में आप लोग जान सकते हैं, करीबन 5 या 6 इंस्ट्रक्टर आप लोग को मिलकर एक कोर्स को पढ़ाने वाले हैं, जो कि आप लोग का इंटरनेट ऑफ थिंग्स बहुत ही बड़ा टॉपिक है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसके लिए आप लोग को लाइफ टाइम एक्सेस नहीं मिलने वाला है, और आप लोग को 60 डेज़ के अंदर इस कोर्स को कंप्लीट करना होगा तभी आप लोग को सर्टिफिकेट भी बिल्कुल मिलेगा। और साथ ही साथ इस कोर्स में इनरोल करने के बाद आप लोग को यहाँ पर देख सकते हैं कि डाउनलोडिंग मटेरियल भी आप लोग को मिलेगा, PPT या PDF के फॉर्म में आप लोग को यहाँ से थ्योरीज भी आप लोग को बिल्कुल फ्री में मिल जाएगी। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर जो कुछ ओवरव्यू दी गई है, तो मैं आप लोग उसके नाम बता देता हूँ। डिस्कस जो की जाने वाली है पॉइंट्स आप लोग को थ्योरी में, जो कूल एप्लीकेशंस है, सेंसर से एम्बेडेड सिस्टम है, नेटवर्क है और सर्किट है, ये जो पॉइंट है इसी से रिलेटेड आप लोग का मॉड्यूल है, या 5 मॉड्यूल आप लोग बोल सकते हैं इसको। और नीचे आप लोग स्क्रॉल कीजिएगा तो आप लोग बहुत सारी डिटेल्स दी गई है, वो भी आप लोग पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोग का नीचे स्क्रॉल खत्म हो जाता है, उसके बाद यहाँ पर आप लोग को एनरोल कैसे करना है तो वो मैं आप लोग को बताता हूँ। इस पर एनरोल पर क्लिक कीजिएगा तो कुछ एक अनदर पेज ओपन हो जाएगी, जैसा कि आप लोग देख सकते होंगे कुछ इस टाइप का हो जाएगा। उसके बाद चेकआउट पे क्लिक कर लेना है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर आप लोग जो प्राइस है वो $0 पे आप लोग की प्राइस दी जा रही है, और आप लोग इनरोल कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में। तो इनरोल करने के लिए आप लोग यहाँ पर चेकआउट पे क्लिक कर लीजिएगा। चेकआउट पे क्लिक करने के बाद आप लोग देख सकते हैं कि एक पेज ओपन हो गई है जिसमें आप लोग को लॉग इन और क्रिएट अकाउंट का ऑप्शन आ गया है। तो अगर आपका अकाउंट है तो बहुत ही अच्छी बात है, कंटिन्यू पे क्लिक करके आप लोग आगे बढ़ सकते हैं। अगर आपका अकाउंट नहीं है, न्यू यूज़र है, तो आप लोग इस वीडियो को अच्छे से देखिए, क्योंकि इसमें प्रोसेस बहुत ही बड़ी है क्रिएट अकाउंट करने की। तो आप लोग देख सकते हैं मैं इनरोल कर रहा हूँ इसमें और क्रिएट अकाउंट कर रहा हूँ। तो पहले मैं ईमेल फिल कर लेता हूँ, देख सकते हैं मैंने फिल कर दी है ईमेल। और सबसे इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, ईमेल आईडी बहुत ही करेक्ट फिल कीजिए, क्योंकि जो सर्टिफिकेट है वो आप लोग को विद इन 3 to 5 days बिजनेस डेज में आप लोग का ईमेल पे सर्टिफिकेट आ जाएगा। चलिए इसमें कंटिन्यू पे क्लिक कर देता हूँ। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आप लोग यहाँ पर मैं देख लेता हूँ क्या इन्फॉर्मेशन आती है। माई अकाउंट का ऑप्शन आ गया, यहाँ पर आप लोग का यूज़र आईडी और न्यू पासवर्ड टाइप करने के लिए बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, तो मैं आप लोग को पहले फिल कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आप लोग को बताता हूँ। तो देख सकते हैं मैंने फिल कर दिया यूज़र आईडी, यहाँ पर आप लोग को फिल कर लेनी है यूज़र आईडी, फिर न्यू पासवर्ड यहाँ पर डाल लेना है। उसके बाद यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि रिटाइप पासवर्ड भी आप लोग को फिल कर लीजिएगा। उसके बाद आप लोग को नेम सेल्यूटेशंस फिल कर लेना है आप लोग को। उसके बाद यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं टैग्स इन्फॉर्मेशन जो मैंडेटरी है उसी को फिल कर सकते हैं आप लोग, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और साथ ही साथ यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ईमेल एड्रेस, जैसा कि मैंने बताया था ईमेल एड्रेस ज़रूर फिल कीजिएगा और सही से फिल कीजिएगा ताकि आप लोग कोई प्रॉब्लम ना हो। उसके बाद यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं फैक्स डिटेल्स आपसे मांगी गई है, जो कि फ़ोन टेलीफोन नंबर या फैक्स डिटेल्स, तो आप लोग वो फिल कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर आप लोग टेम्प्रेरी एड्रेस में आप लोग फिल कर लीजिएगा, जो भी फिल करना है आप लोग को, जो आपका एड्रेस हो। और साथ ही साथ यहाँ पर पोस्टल कोड भी या फिर जिप कोड आप लोग फिल कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप लोग एम्प्लॉय पर जॉब टाइटल्स आप लोग फिल कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद मेलिंग लिस्ट पर आप लोग इतना सारे प्रॉब्लम्स है सब आप लोग फिल कर सकते हैं, नहीं तो प्राइवेट पॉलिसी यहाँ पर यस पे फिल कर दीजिएगा। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं सब में यस क्लिक कर दीजिएगा आप लोग। उसके बाद यहाँ पर आप लोग को चेकआउट पर क्लिक कर देना, ये ऑप्शन इंपॉर्टेंट है। उसके बाद यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि आपका रिसिप्ट आ जाएगा, यहाँ पर देख सकते हैं कि आप लोग यहाँ पर रिसिप्ट आ गई है इसी टाइप से आप लोग की आने वाली है, यू हैव बीन सक्सेसफुली कंप्लीटेड योर ट्रांजेक्शन यहाँ पर लिखा हुआ आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर ऑर्डर नंबर भी दिया गया और डेट वीट सभी सारा कुछ दिया, एड्रेस भी दे दी गई है। उसके बाद यहाँ पर आप लोग प्लीज़ नोट पर देख सकते हैं, यहाँ पर आप लोग दिया गया एक नोट, तो यहाँ पर आप लोग को सीधा क्लिक कर लेना है यहाँ पर,
और इस पर क्लिक करके आप लोग को आगे कंटिन्यू पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे क्लिक कीजिएगा आप लोग, तो सीधा आप लोग को पेज रिडायरेक्ट हो जाएगा एक दूसरे वेबसाइट पर, इसी वेबसाइट है दूसरे पेज पर रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा, जिसके थ्रू आप लोग यहाँ से पढ़ सकते हैं। तो आप लोग को यूज़र आईडी अभी डालना है जो आपने अभी डाला था, मैं डाल लेता हूँ पहले। तो फिल हो गई आप लोग देख सकते हैं, उसके बाद यहाँ पर मैं क्लिक कर लेता हूँ लॉगिन के ऑप्शन पे। तो उसके बाद आप लोग का यहाँ पर प्रोसेस हो रहा है और यहाँ पर आप लोग को मिल गया, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर करेंट कोर्स आप लोग का, और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स भी एंट्री की कर दी गई है यहाँ पर आप लोग का, और यहाँ से आप लोग रीड कर सकते हैं। तो मैं आप लोग को इसको ओपन करके भी दिखा देता हूँ किस टाइप से आप लोग को रीड कर लेना है और किस टाइप से आप लोग को सर्टिफिकेट बिल्कुल फ्री मिलने वाला है। उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पर आ गई है ये इंटरनेट ऑफ थिंग्स, तो जो कि आप लोग को 6 घंटे की आवर है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं सर्टिफिकेट भी बिल्कुल आप लोग को फ्री मिलेगा। यहाँ पर आप लोग को मॉड्यूल्स बाय मॉड्यूल्स दी गई है, मॉड्यूल 1 का ओवरव्यू दिया गया है इस टाइप से आप लोग देख सकते हैं। यहाँ सिलेबस भी दी गई है और सारी पॉइंट्स जो PDF फाइल या फिर फाइल्स आप लोग को डाउनलोड करनी होगी ये भी आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। या 3 डॉट्स पर क्लिक कीजिएगा आप लोग, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं आप लोग की सारी डिटेल्स दे दी गई है। इस पर आप लोग को क्लिक करके आप लोग पढ़ सकते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से, और सर्टिफिकेट यहाँ पर देख सकते हैं, सर्टिफिकेट के बारे में यहाँ पर भी दे दी गई होगी एक जगह, तो मैं आप लोग को वो दिखा देता हूँ। फाइनल स्टेप्स में यहाँ पर एवेल्यूशन मतलब कुछ आप टेस्ट भी आप लोग का चलेंगे इसमें, तो आप लोग देख लीजिएगा। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं द डिजिटल रिकॉर्ड्स ऑफ कंप्यूटेशन मेल टू विद इन 3 to 5 days अप्रॉक्सीमेटली। तो यहाँ पर आप लोग का सर्टिफिकेट भी बिल्कुल फ्री आप लोग को मेल पे भेज दिया जाएगा, आप लोग रीड कर सकते हैं यहाँ से। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि आप लोग को सर्टिफिकेट जस्ट मिल गया है आप लोग को मेल आईडी पर देख लीजिएगा आप लोग कंप्लीट करने के बाद कोर्स को। तो ये रहा स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी का आप लोग का सर्टिफिकेट जो कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स का है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेट है दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, और इस वीडियो को लाइक करके जाइएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।